नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं N27 न्यूज़। और समय आ गया है कि देश की 5 बड़ी खबरों को जानने का। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की कस्टडी में 3 लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं और ये सब तब होता है जब अस्पताल में उनकी जाँच के लिए उन्हें ले जाया जा रहा होता है। तीनों हमलावरों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से एक का नाम लवलेश तिवारी, दूसरे का मोहित और तीसरे का अरुण बताया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि तुमने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या क्यों करी, तो उनका जवाब चौंकाने और औरों को हैरान कर देने वाला था। उनका जवाब था कि वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अपनी धाक अतीक अहमद और अशरफ जैसे बड़े गुंडे और नेता को मार कर बढ़ाना चाहते हैं, जिनका उन्हें भविष्य में फ़ायदा भी मिले। आपको बता दें कि ये तीनों पत्रकार बनकर आए थे, इसलिए पुलिस की निगाहों में ये चढ़ नहीं पाए। लेकिन इसमें गौर देने वाली बात यह है कि उनकी प्रसिद्ध होने की चाह अब उनको जेल की 4 दीवारी तक ही कैद करके रख देगी। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को CBI ने आबकारी नीति में हुए घोटाले की पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें, उनसे तकरीबन 9.5 घंटों तक पूछताछ की गई, जिनमें उनसे लगभग 56 सवाल पूछे गए। अरविंद केजरीवाल जब CBI के ऑफिस से बाहर आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने CBI अधिकारियों की जमकर प्रशंसा की। उनका कहना था कि उन्होंने मेरे साथ, यानी अरविंद केजरीवाल के साथ, व्यवहार बहुत अच्छा रखा, साथ ही सम्मानजनक सारे प्रश्नों को पूछा। अब वक्त हो चला है तीसरी बड़ी खबर जानने का। भारत में अब कोरोना दोबारा अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में लगभग 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें आपको बता दें कि 23 लोगों की मौत हो गई है। अब आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 5, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3-3, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2-2 और हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में 1-1 मरीज की मौत हुई है। अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर का। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है, क्योंकि इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया था। इस बार पार्टी ने कई सारे नए चेहरों को पार्टी की टिकट दी है। उन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही कांग्रेस ने जगदीश को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पर थे, अपनी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। तो देखना ये होगा कि ये कितना कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों पर फर्क डालेगा। अब रुक करते हैं पांचवी और अंतिम खबर का। कुत्तों के काटने के मामले अब देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी खबर आपने ज़रूर सुनी होगी। आज भी कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें एक बुज़ुर्ग, आपको बता दें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये खबर सामने निकल कर आ रही है, जब बुज़ुर्गों को कुत्तों के झुंड ने नोच नोच कर मार डाला। ये घटना आपको बता दें सुबह रविवार 7 बजे की है और कुत्तों के सबसे ज़्यादा हमले या तो बुज़ुर्गों और बच्चों पर हो रहे हैं, जिसमें आए दिन देश के अलग अलग जगहों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। अब ये आपको हमारी खबरें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और देखते रहें N27 न्यूज़। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।